नमस्कार, मैं हूं जायरा अली और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम मरीजों के हक की बात करेंगे। अगस्त 2018 में देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोगियों के अधिकारों को लेकर 17 अधिकारों का मानवाधिकार आयोग के माध्यम से मसौदा जारी किया था, जिसे आज तक कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिले जीने के अधिकार में ही अंतर्निहित स्वास्थ्य के अधिकार या रोगियों की सुरक्षा एवं संरक्षण की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सा परीक्षण अधिनियम 2010 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों से संबंधित 9 अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। इसमें पूरे सम्मान के साथ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। क्या बीमारी है, क्या इलाज चल रहा है, कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं, रोगी को ये जानने का अधिकार है। बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने का अधिकार है। इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है। आपातकाल में त्वरित इलाज पाने का अधिकार है। कोई भी इलाज जो रोगी के स्वास्थ्य पर असर डालता हो उसे नकारने का अधिकार है। इलाज के दौरान अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसे चिकित्सा लापरवाही कहा जाता है और ये भी मरीजों के हक का हनन है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राजीव समयार जी। आप मरीजों के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हमारा फोन नंबर हम आपको बता दें है 01206127937। इसके अलावा आप 01206127938 भी डायल कर सकते हैं। मरीजों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। तो हमारे अधिवक्ता राजीव समयार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है राजीव जी। और पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि मरीजों के हक पर कानून और संविधान क्या कहता है। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजीव जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लग रहा है फिलहाल अभी किसी तकनीकी खराबी के चलते उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमारी फोन लाइंस भी खुली होंगी और आप नंबर डायल करके अगर पूछना चाहते हैं मरीजों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं और अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े होंगे और बताएंगे मरीजों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी क्या कुछ है। मरीजों की बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने के जिस तरीके से अधिकार हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, वो मरीजों को हक होता है जानने का। और तमाम तरह की अक्सर दिक्कतें मरीजों को पेश आती हैं जब वो अस्पताल में इलाज कराते हैं, कई बार वो संतुष्ट नहीं होते हैं डॉक्टर के इलाज से। तो ऐसे में क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं जिनको वो अपना सकते हैं, ये पूरे तरीके से हम विस्तार से आपको बताएंगे। उसको लेकर कानून में क्या कुछ कहा गया है। और राजीव समयार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि मरीजों के हक पर कानून और संविधान क्या कहता है। मरीजों का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर दिया हुआ, यह राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी है। इस राइट टू लाइफ में जीने का अधिकार, जीने के अधिकार के अंदर मरीजों को जो है सो इलाज के अधिकार है, प्रॉपर डॉक्टर, किस डॉक्टर को चूज कर सकते हैं वो अधिकार है, आप डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उनकी पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। ये सारी अधिकार संवैधानिक तौर से जो मरीजों के पास है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है वो एक गाइडलाइन जारी करी है, जिस गाइडलाइन के अनुसार जो है सो जितने भी अधिकार होते हैं वो गाइडलाइन के अनुसार किसी कोई भी पेशेंट्स वो गाइडलाइन के अनुसार अपना जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ये अधिकार है जी। मरीज को बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने का अधिकार है, इसके बारे में बताइए। अगर कोई अस्पताल दस्तावेज ना दे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई भी अस्पताल अगर दस्तावेज नहीं देता है जी, तो एक नोडल ऑफिसर होते हैं, आप नोडल ऑफिसर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं।
अगर वो नोडल ऑफिसर एड्रेस नहीं करता है तो स्टेट के नोडल ऑफिसर को आप कलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करते हैं देन आप कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं और उसकी दे आर बाउंड डाउन टू प्रोवाइड यू द ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाध्य है सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको देने जी जी इसके अलावा इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार भी मरीज का होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और ये अधिकार आखिर क्यों दिया जाता है? MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट की और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये जितनी भी हैं इनकी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अगर आप किसी भी इलाज करवा रहे हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर से जितनी भी शेयर करते हैं वो बिना पेशेंट के कंसेंट के वो डॉक्टर जो है इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते है ना, और ये गोपनीयता के अधिकार जो है सो मरीज की जो है पर्सनल राइट है और उसको ना तो डॉक्टर शेयर कर सकता है अंटिल अनलेस जब तक कि वो मरीज उसको कंसेंट ना दे। जी, रोगी को अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं को पाने का अधिकार है और अगर कोई अस्पताल उसे दाखिला ना दे तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने कोविड काल में भी देखा था इस तरह की काफी समस्या आई थी लोगों के सामने। कोई भी कहीं भी कोई भी अस्पताल हो चाहे कोई भी क्लिनिक हो ये एक गाइडलाइन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलती है, अगर सरकार की गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो अस्पताल की लाइसेंस खत्म हो सकती है, वो प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज। और अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है किसी तरह तो वो नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे, अगर नोडल ऑफिसर मान रहा है कि ये इसको जो जरूरत की जो प्रोवाइड होनी चाहिए सुविधाएं वो नहीं दे रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ आरजू शर्मा मथुरा से जुड़ गई हैं। आरजू, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि हमारे कुछ समय बाद पहले हमारे सामने एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिनकी को कि तत्काल मतलब मेडिकल सुविधा की आवश्यकता थी, तो जब हमने 112 पे संपर्क किया था तो उन्होंने वहां से लखनऊ से हमको गाड़ी तो उपलब्ध करा दी थी, एम्बुलेंस आ गई थी, बागबाकी का जो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए थे वहां पे उन्होंने मतलब उसको ट्रीटमेंट देके उसको आगरा के लिए रेफर किया, ये नहीं कि सबसे पहले जब उसका पेशेंट का सैचुरेशन नहीं है जो ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा है सब तो उसको पहले वहां सेटल कर, नहीं सब आप यहाँ से हेल्थ सेंटर ले जाए जैसे कि वेंटिलेटर, क्योंकि जब हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे वेंटिलेटर नाम की कोई चीज नहीं है। जी, ऐसा इसमें जो है सो अस्पताल ने इनको प्रोवाइड करी एम्बुलेंस की सुविधा, ये खुद मानते हैं अस्पताल ने उसको इमरजेंसी जितनी भी रिक्वायरमेंट जो उनके पास अवेलेबल था वो प्रोवाइड करा, और उसके बाद अगर उसके जरूरत की उससे ज्यादा अगर किसी भी पेशेंट को जरूरत थी तो उसको रेफर करा, तो ये जो है अस्पताल की नहीं है, अस्पताल के पास अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो है तो उसके लिए उसने रेफर करे उस चीज को रेफर करे, तो यहाँ अस्पताल की कोई निग्लिजेंसी नहीं है। जी आरपी शर्मा, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। चलिए फिलहाल अब हम भी आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि चिकित्सा लापरवाही क्या होती है और मरीजों के हक से इसे कैसे जोड़ा गया है? चिकित्सा लापरवाही जो है एक लिटरेरी वर्ड है जहां पर आप निग्लिजेंसी करते हैं किसी चीज को, आप जो अगर कोई ड्यूटी बाउंड है जिस तरह की सुविधाएं और इलाज कराने के लिए उस पर अगर लापरवाही होगी तो उसको चिकित्सा लापरवाही करते हैं। चिकित्सा लापरवाही के की बहुत तरीके हैं, जैसे कि कोई अगर कोई व्यक्ति को तुरंत इमरजेंसी की जरूरत है जी। और इमरजेंसी में अगर डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे हैं या उसको डॉक्टर अटेंड करने के में टाइम ले रहे हैं और इसमें कैजुअलिटी हो जाती है तो लापरवाही में आ जाती है, अगर उसकी ट्रीटमेंट अगर उसको उस समय की जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ना देके उसको वेस्ट चलाया जाए तो वो लापरवाही की जरूरत है। लापरवाही अगर उसको इलाज तो तुरंत जरूरत है अगर तो उसको तुरंत इलाज नहीं मिलता इसके लापरवाही में आती है ये सारी चीजें। बिल्कुल, ये चिकित्सा लापरवाही उसको कही जाती है, इसके लिए आप कोर्ट में को भी जा सकते हैं और आपको आपको जो है कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं, आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कंपनसेशन मांगा जा सकता है, केस भी किया जा सकता है।
राजीव जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे की मांग क्या मरीज कर सकता है? जी हाँ, पूरी तरह मुआवजे की मांग कर सकती है। और जो चिकित्सा लापरवाही की जो केस है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। कंज्यूमर डॉक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और ये सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी तरह की लापरवाही करती है तो उसकी मुआवजे जो है मुआवजे की मांग बीइंग ए कंज्यूमर हम कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। जी, FIR भी दर्ज की जा सकती है ऐसे में क्या उनके खिलाफ? जी, FIR दर्ज करने के लिए थोड़ी जो है तो वर्क होगी। एक बोर्ड होती है, या तो आप निग्लिजेंसी को आप कैसे कर सकते हैं कि निग्लिजेंसी हो, आपको एक सेकेंड ओपिनियन प्रोवाइड करनी पड़ेगी साथ में, और तब FIR लॉज होगी कि हाँ ये निग्लिजेंसी है। और प्रोसिक्यूशन जो है उसको एक मेडिकल बोर्ड के पास लेके जाती है, और अगर वो सेटिस्फाइड होती है लापरवाही हुई है तो FIR में कन्वर्ट हो जाती है। जी, क्या चिकित्सा लापरवाही के लिए दोषी डॉक्टर को आपराधिक सजा मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है अगर आप लापरवाही, लेकिन उसे इंटेंट होना चाहिए डॉक्टर का। जब डॉक्टर का इंटेंट हो, अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा हो, किसी की इलाज कर रहा हो और उसका इंटेंट नहीं हो नुकसान पहुंचाने का, तो आप उससे क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। तो इंटेंट मस्ट है इसमें एक्ट के साथ। तो अगर गुड फेथ में डॉक्टर कई बार होते हैं, गुड फेथ में काम करते हैं, और लेकिन उनकी इंटेंट कभी भी नहीं होती है कि किसी तरह के नुकसान पहुंचाने के, तो उससे आप क्रिमिनल केस नहीं, इंटेंट होनी चाहिए इसके बेसिक। जी, इन दिनों अक्सर हम देखते हैं अस्पताल में बिल को लेकर काफी गतिरोध बना रहता है, तो ऐसे में अगर अस्पताल वालों ने ज्यादा बिल बना दिया है तो क्या करना चाहिए? अगर ज्यादा बिल बना दिया है, ये ज्यादा बिल आप जो है, अगर आप महसूस करें कि ज्यादा बिल बढ़े, कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी है कि आपको लगता है कि मार्केट से ये ज्यादा बिल है, तो ये मेडिसिन की ज्यादा बिल है, तो आप उस चीज को हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को पहले इन्फॉर्म करें। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट अगर इसको रिड्यूस नहीं करता या इसको रिड्यूसल नहीं करता, तो फिर आप नोडल ऑफिसर को करेंगे, और नोडल ऑफिसर के बाद अगर नहीं करते कोर्ट जाती है, और नोडल ऑफिसर अगर ईमानदार है कि ज्यादा बिलिंग होती है तो उससे पेनल्टी होगी, उसकी पेनल्टी होगी और उसके कंडक्ट पे जो है उसको रिमार्क होगी, और जिससे कि लेटर ऑन अगर इस तरह की बात रिपीटेडली करते हैं तो उसकी लाइसेंस पे इफेक्ट करेगी। जी, अब क्या चिकित्सा लापरवाही के जो मामले होते हैं इसकी शिकायत उपभोक्ता न्यायालयों में दर्ज कराई जा सकती है? जी हाँ, चिकित्सा लापरवाही जो होती है उसकी शिकायत जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में डाली जा सकती है, और जितनी कंपनसेशन, बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट जो है वो कंपनसेशन देती है कि अगर लापरवाही हुई तो व्यक्ति को कंपनसेट किया जाए, और कंपनसेशन के लिए कंज्यूमर कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होते हैं वहां भी डाल सकते हैं। अगर हायर कंपनसेशन रिक्वायरमेंट है तो स्टेट कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। अगर उससे भी ज्यादा की जरूरत है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव समायार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी आपने दी है, मरीजों का जो हक होता है उससे जुड़ी हुई। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। प्रकृति के साथ समन्वय दिखाकर और इस तराई को, यहाँ के क्षेत्र को रचाने का बसाने का काम किसी ने किया है तो आप सब लोगों ने किया है। इस तराई को रचाने बसाने में जहाँ पर बड़े बड़े अजगर, भालू, जंगली जानवर होते थे, उन जानवरों के बीच में इस तराई को आबाद करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भली भांति जानता हूँ आप सभी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और महाराणा प्रताप ने इस देश की आन के लिए, बान के लिए, शान के लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों को उन्होंने जाना उचित समझा, लेकिन उन्होंने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने आन बान शान के लिए और धर्म के लिए उन्होंने कभी किसी के सामने कभी हार नहीं मानी। आज हमारे देश के अंदर ऐसे मुख्य सेवक हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में आज भारत शक्तिशाली भारत के रूप में बढ़ रहा है, आज स्वाभिमानी भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आज भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखिए आज किस प्रकार से भाइयों बहनों में, अभी दो दिन तीन दिन पहले भगवान विश्वनाथ की धरती बनारस ही गया हुआ था। बनारस में जहाँ पर
निकलने के लिए गली सकरी गली हुआ करती थी, अब सीधे सीधे श्रद्धालु गंगा जी से जल लाकर सीधे भगवान विश्वनाथ को चढ़ाने का काम करेंगे। उसको हाईवे बनाने का काम, दिव्य काशी बनाने का काम, भव्य काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान केदारनाथ की भूमि पर जहाँ पर इतना आपदा के बाद बहुत वहाँ पर नुकसान हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम भी आज 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहाँ पर भगवान केदार की भूमि पर हो गया है। बद्रीनाथ तो भव्य बद्रीश भगवान का स्थान बनाने का काम 250 करोड़ रुपए की धनराशि से हमारे भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर भी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जिस भगवान राम के बारे में, जिनके बारे में हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, आज उस भगवान राम लला का जो जन्मभूमि है वहां पर मंदिर बनाने का काम भी वहां पर प्रारंभ हो गया है। भव्य भगवान का राम मंदिर बन रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, सारे धार्मिक स्थानों का उत्थान का काम आज किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे आज सड़कों की बात हो, चाहे आज हाईवे बनाने की बात हो, सारे के सारे काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में आने वाले समय में हमको यहाँ पर एम्स की भी सुविधा मिलने वाली है, जिस एम्स के। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।